हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी जो है समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले हमने देखा था कि हमारे पास एक चार्ज Q1 था और एक चार्ज Q2 था, तो Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से क्या लग रहा है सिर्फ हमने ये देखा, या Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से क्या लग रहा है हमने वो देखा। लेकिन अब हमारे पास थर्ड चार्ज भी आ गया Q3, तो हमें पता लगाना है कि नेट फोर्स क्या है Q1 पे, या और भी बहुत सारे चार्जेस हों तब नेट फोर्स क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, मान लेते हैं हमारे पास n स्टेशनरी चार्जेस है। स्टेशनरी चार्जेस मतलब वो चार्जेस जो रेस्ट पे है, Q1 Q2 Q3 Qn वैक्यूम में है। तो हमने क्या पता लगाना है, नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3 Qn, तो वो कैसे दिया रहेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें निकालना है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस, बाकी सब चार्जेस की वजह से Q1 पे फोर्स क्या है, और दूसरे चार्जेस कौन से, Q2 Q3 Qn। तो FQ1 क्या हो गया, FQ1 हो गया नेट फोर्स ऑन Q1 क्या हो जाता है, FQ1 वो क्या है, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 चार्ज प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4 चार्ज। ऐसे करते करते फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn चार्ज। तो ये जो है ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। अब अगर हम बात करें, अगर हमारे पास n चार्जेस की जगह 3 चार्जेस हो, तो नेट फोर्स ऑन Q1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 का वेक्टर सम। तो इधर भी हमने अज्यूम करा है कि Q1 Q2 पॉजिटिव है, तो Q1 पे फोर्स किधर लगेगा, Q2 की वजह से, वो लगेगा F12 के अलॉन्ग, क्योंकि मान रहे हैं हम कि Q1 Q2 क्या है, मोर देन जीरो। Q1 Q2 मोर देन जीरो इट मीन्स क्या, दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है। ये कैसे आया, डायरेक्शन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो। और F13 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R12, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R13। तो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है, और F12 और F13 की वैल्यू हमने लिखी थी हमने। तो F12 का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि F12 is 1/4πε₀ Q1 Q2 R1/R12 का स्क्वायर R½। तो सिमिलरली इधर हम भी क्या लिख सकते हैं, F12 क्या हो गया 1/4πε₀ Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी, इधर 12 है तो आ जाएगा R½। और F13 क्या होगा, 1/4πε₀ Q1 Q2 बाय R13 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन F13 है तो R⃗⅓ आ जाता है। अब हमने क्या लिखना है, नेट फोर्स ऑन Q1 वो क्या है, FQ1, वो क्या हो जाता है, इन दोनों का वेक्टर सम। तो वो क्या से हो जाएगा, 1/4πε₀ Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर R⃗½ प्लस 1/4πε₀ Q1 इधर सॉरी Q3 आएगा, Q3 बाय R13 का होल स्क्वायर R⃗⅓। हमने क्या निकाल लिया, नेट फोर्स ऑन Q1 क्या लग रहा है। तो यही एक्सप्रेशन आपको इधर डिराइव मिल जाएगा। अब हम क्या बात करते हैं, अगर मान लो हमारे पास अभी 3 चार्जेस है, लेकिन अब हमारे पास n चार्जेस हो, कहाँ से Q1 से लेके Qn तक,
तब नेट फोर्स ऑन Q1 क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन जैसे हमने पहले, अब हमने नेट फोर्स ऑन Q1 का एक्सप्रेशन निकालना है, वो क्या हो जाएगा, एफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4 से लेके प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, ये हो जाएगा। अब F12 क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर R cap 12, पीछे भी लिखा था दोबारा वही एक्सप्रेशन लिख लें, यहाँ पे हमने लिखा था सेम चीज अब यहाँ लिख लेंगे, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बाय R13 का होल स्क्वायर R cap 13, ये कब तक चलेगा, प्लस F1 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qnth चार्ज क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Qn बाय R1n का होल स्क्वायर R cap 1n। अब अगर इस कोई भी जनरल टर्म ले, मान लो अगर हमने ये टर्म ले लिया यानी लास्ट वाला टर्म ले लिया, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ith चार्ज, मतलब कोई भी अगर i की वैल्यू 2 पुट करे या 3 पुट करे, तो i के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 1/4πε0 Q1 Qi बाय R1i का होल स्क्वायर R cap 1i। इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखना चाहे, समेशन सिंबल, तो ये क्या हो जाएगा, F1i, ये सिग्मा क्या डिनोट करता है, समेशन सिंबल, और i कहां से कहां तक वेरी करेगा, वेयर i गोज फ्रॉम 2 to n। तो ये सिग्मा सिंबल क्या है, ये वाला, इसमें अगर हम i 2 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, फिर हम ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, i को 3 पुट करेंगे, कब तक ऐसे सम करते रहेंगे, जब तक हमें n ना मिल जाए। तो पहले हमने i को 2 पुट करा तो हमें ये टर्म मिल गया, फिर हमने i को 3 पुट करा तो हमें F12 मिल गया, फिर अगर हमने i को 3 पुट करा तो हमें F13 मिल गया, अगर हमने i को 4 पुट करा तो F14 मिल गया, और ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक हम n पर ना पहुंच जाए। तो लास्ट टर्म हम कौन सा ऐड करेंगे, F1n। तो इस एक्सप्रेशन में बात करें तो हमारे पास नेट फोर्स ऑन Q1 क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वॉट, F1i, और i कहां से वेरी कर रहे हैं, 2 to n, i वेरीज फ्रॉम 2 to n, क्योंकि हम 1 नहीं ले सकते, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1 नहीं है, इसलिए मैंने इधर 2 से शुरू करा, आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Qi R1i का होल स्क्वायर R cap 1i। तो ये हमने क्या लिख दिया, नेट फोर्स ऑन Q1 को इस समेशन के टर्म फॉर्म में। ये सेम एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन इधर डिराइव करा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये लास्ट लाइन में आपको डिराइव करा हुआ मिल जाएगा। तो और ये जो है बेसिकली डायग्राम है जो बता रहा है नेट फोर्स क्या है, वो यही बता रहा है कि ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जब भी हमारे पास 2 से ज्यादा चार्ज होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और कुछ नई नई चीजें भी मिली होंगी। सो डू लाइक दिस वीडियो। हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। मान लेते हैं हमारे पास ये चार्ज है कैपिटल क्यू, जिसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज, और दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू को कहेंगे टेस्ट चार्ज। कैपिटल क्यू मान लेते हैं ओरिजिन पे है, और स्मॉल क्यू जो है मान लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट पी है, और ओपी पोजिशन वेक्टर जो है आर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड को इंट्रोड्यूस करते टाइम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ये दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, फिर भी ये क्यू जो है इस स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है जब ये दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। तो इसका आंसर ये है कि चार्ज क्यू क्या करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये क्या करती है, ये लगाती है फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज। अब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट पी पर क्या है। मान लेते हैं ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी जो है आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन वेक्टर आर क्या है, फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज जो कहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर आर पर, डिवाइडेड बाय क्यू। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और क्यू चार्ज का यूनिट क्या है कूलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। अब सोर्स चार्ज जो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो क्या है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप का डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन टू पॉइंट पी, ये आर कैप का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन वेक्टर आर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप और 1/क्यू। ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन वेक्टर आर, उसका ये एक्सप्रेशन आ गया। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको हमने इधर लिख लिया। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से क्यू की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन वेक्टर आर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड आर कैप के अलॉन्ग। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला, एफ आर बाय क्यू टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम क्यू को प्लस वन कूलम पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो हमारे पास ये चार्ज जो है कैपिटल क्यू है और दूसरा चार्ज जो है वो प्लस वन कूलम है। मान लेते हैं ओरिजिन ओ है और हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है चार्ज क्यू की वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से। तो वो क्या होगा, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, प्लस वन कूलम चार्ज रख देंगे, वो आर के इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगी, जो फोर्स इस वन प्लस वन कूलम चार्ज पर लगेगी वो बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस कैपिटल क्यू चार्ज की पॉइंट पी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये वन कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है आर, क्या हो जाएगी, इक्वल टू एफ आर बाय स्मॉल क्यू और इधर स्मॉल क्यू क्या है वन कूलम, तो ये प्लस वन आ गया। तो इसलिए क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल क्यू, ये किसके इक्वल है, फोर्स जो इस प्लस वन कूलम चार्ज पर लग रही है। तो इधर डेफिनेशन पढ़, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज अ फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उसने डेफिनेशन में क्या बोला कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या है, उधर वन कूलम ऑफ चार्ज रखेंगे, जो फोर्स वो वन कूलम ऑफ चार्ज पे लगेगी वो बताएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इस पॉइंट पी पर निकाला था तो हमने ये फॉर्मूले से निकाल लिया था। तो क्योंकि सोर्स चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो टेस्ट चार्ज भी तो इस सोर्स चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज, ये टेस्ट चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये अपनी पोजीशन से हिल जाएगा। अगर ये अपनी पोजीशन से हिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पे आ रही है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए कि ये सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन से
nor hile remains fixed at its position. क्यों चाहिए? फिक्स इसलिए सही चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पर आ रही है वो चेंज ना हो. तो इसीलिए हम दो चीजें कर सकते हैं. फर्स्ट, चार्ज क्यू को होल्ड कर सकते हैं अपनी लोकेशन पर बाय अनस्पेसिफाइड फोर्सेस. कुछ फोर्स लगा सकते हैं इस कैपिटल क्यू चार्ज पर ताकि अपनी पोजिशन से ना हिले. तो सेकेंड चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम ले सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो टेंड कर रहा है जीरो को. इट मीन्स क्या कि हमारा सोर्स चार्ज का जो वैल्यू है वो है जीरो को टेंड कर रहा है. मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं है लेकिन वो है 0.0000 कुछ वन. तो फोर्स जो लग रहा है कूलम फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच वो क्या है? क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर. इन दो आर क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो अगर मैं ये लूंगी कि स्मॉल क्यू टेंड्स टू जीरो तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा. ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली वो भी बहुत छोटा हो जाएगा. तो जो सोर्स चार्ज पर फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत छोटा हो जाएगा. तो सोर्स चार्ज पे बहुत ही छोटा सा फोर्स लग रहा है तो वो छोटा सा फोर्स लगेगा तो ये सोर्स चार्ज जो है अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगा. तो ये फोर्स कम होने की वजह से सोर्स चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा अपनी पोजीशन से, फिक्स रहेगा. तो इसकी हमने दो कंडीशन देख ली. इसके लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो एफ बाई क्यू. इट मीन्स क्या है कि हम चार्ज क्यू को बहुत छोटा ले रहे हैं, जीरो को टेंड कर रहा है लेकिन एक्चुअली जीरो नहीं है, और एफ बाई क्यू. तो एक चीज़ और है कि अगर हम क्यू को टेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं एफ भी बहुत छोटा होगा और क्यू भी बहुत छोटा होगा, लेकिन जो एफ बाई क्यू का रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है वो फाइनाइट क्वांटिटी आएगा, वो बहुत ही छोटा नहीं आएगा. तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम लेंगे और ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे 3D स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये चार्ज ऐसे है तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके पूरे 3D स्पेस में होगी. हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी वो क्या है? क्यू बाई 4π0 बाई आर स्क्वायर आर कैप. ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ निकाला था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के, क्यू के. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके प्रोपोर्शनल है? 1r² के. और हमने क्या देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो पी पर आ रहा है वो क्या है? इधर हमारे टेस्ट चार्ज पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता. अब पॉजिटिव, अब नेक्स्ट आता है फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड कैसे है? डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज. रेडियली आउटवर्ड मतलब कुछ ऐसे. ये है हमारे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड. और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो उसकी फील्ड कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड, ऐसे. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्ड है, मतलब ये रेडियस के अलोंग है लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन. और रेडियली आउटवर्ड मतलब कि रेडियस के अलोंग है लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन. दूसरा हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो था वो क्या था? 4π0 सोर्स चार्ज बाय कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था प्रोपोर्शनल 1r² के. सो इलेक्ट्रिक, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं अगर हमारा सोर्स चार्ज ऐसे है, मतलब अगर हम पॉइंट पी हमारा उसका डिस्टेंस आर है इस सोर्स चार्ज क्यू से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? 1r² के. इट मींस क्या कि जो भी पॉइंट्स का डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से आर है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम. हर पॉइंट जो कि सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी. अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जो हैं सारे जो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज हैं वो किस पे रहेंगे? एक स्फेयर पे. क्यों रहेंगे? क्योंकि स्फेयर क्या है?
स्फेयर पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है, ये स्फेयर का सेंटर ओ है, तो स्फेयर पे जितने भी सरफेस पे पॉइंट्स है वो क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, और वो क्या होता है, उसका रेडियस। सिमिलरली जो पॉइंट्स इस कैपिटल क्यू चार्ट से सेम डिस्टेंस पर है वो कहाँ लाए करेंगे, एक स्फेयर में। तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री, इसका यही रीजन है। सी यू नेक्स्ट टाइम।